में एमएलए दौरे पे निकलता है, चाहे मेयर दौरे पे निकलता है, चाहे अपना कोई भी मतलब अफसर दौरे पे निकलता है, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता। सिर्फ एक वोट के टाइम ही यहाँ पे आते हैं, बाकी किसी ने कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, आगे भी देखते जी, पेटो परान लग जाएगा। यहाँ कोई हल नहीं है और सड़क ना नाली, यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, यहाँ कोई प्रबंध नहीं है जी। सारी तरह से हम परेशान, एक सड़क छोड़ के पहली सड़क को निकल जाते हैं जी। इधर को कोई नहीं आता, एप्लीकेशन दे ली हर जगह पे, एप्लीकेशन दे ली सबके पास, जाया है सबकी मिन्नतें कर ली, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। संत कुमार जी, मामला बस ये पानी का ही मेहनत, एक सड़क हो जाए और एक पानी, पानी की तो बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा है। नालियां बननी चाहिए, ये खाली प्लाट जो है इनकी सफाई होनी भी होगा, मकसद है हमारा भी, ये पानी की निकासी करो, ये करो किसी तरह। डेंगू के तो ये मान के चलो तीन तो गुजर चुके हैं और छह बंदे अभी भी पड़े हैं। मैं अपने मौके पर घर लेकर बताता हूँ, कम से कम 10 केस हैं, 10 केस हैं, तीन ना की तो डेथ हो चुकी है, तीन तो बाकी मैं दिखा सकूं अपने घर ले जाकर पड़े हैं जी, जेडे मंजे पर पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, यहाँ सभी सभी गलियों में गंदा पानी, नालियों में, बाकी प्लाटों में भरा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर इतने ज्यादा है कि खुद हम कई बार बीमार बहुत ज्यादा हो चुके हैं। किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है, इस टाइप की बीमारियां हो रही हैं। बार बार जाते हैं एमसी के पास, कोई सुनवाई कहाँ पे होती नहीं, ऐसे ही पानी भरा है ऐसे सभी प्लाटों में। मैं हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से पानी निकलवाया जाए और साफ सफाई की तरफ ध्यान दिया, सड़क का जो भी है, लेकिन पानी की सांप घरों में घुस जाते हैं, किसी के भी घर में फट लेना, सांप दो चार घूमते रहते हैं, क्योंकि पानी सारे प्लॉटों में। यहाँ का सीवरेज भी नहीं साफ होता, सीवरेज सारे ब्लॉकिंग का, आपके सामने देखो जितना समय फैलेगा उतनी बीमारी फैलेगी। अम्बाला में आज तक टोटल 268 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं, आज 19 नए मामले सामने आए हैं, तो आज के मामलों को मिला के 268 मामले टोटल हुए हैं। और लगभग हम हर रोज 400 से 500 सैंपल प्रोसेस कर रहे हैं और जिले के हर जगह से सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को एहतियातन हम एंटी लार्वल एक्टिविटी भी जिले में हर जगह की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो उम्मीद है आने वाले 10-15 दिनों में जो डेंगू का वो है जितना प्रकोप है वो कम होगा।